एक शख्स था जो कि कहता है मैं हज पे गया हुआ था, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी संभाल के मैं हज पे था, बस में बैठा हुआ था। मैंने बस में बैठे हुए बाहर खिड़की से देखा तो एक बूढ़ी औरत, उसको शायद कोई टांगों का मसला भी था, आर्थराइटिस था या क्या था, जो भी था उसकी वजह से वो लंगड़ी होके और वो चल रही और हज कर रही है। तो इस बंदे ने सोचा कि तेरा क्या फ़ायदा, तो क्या तू हज करने आया है, क्या फ़ायदा कि जब तुम तो नौजवान हो के हट्टे कट्टे हो के सीट पे बैठे हो और बूढ़ी औरत ये नीचे चल रही है। उसने वो उतरा और उसने उस औरत को कहा कि माँ जी आप मेरी सीट पे जाके बैठ जाएं, मैं तो चल सकता हूँ, मैं तो चल लूँगा, आप मेरी सीट पे बैठ जाएं क्योंकि आपके लिए चलना बड़ा तकलीफ दे। अल्लाह अकबर, उस माँ जी ने सुना ना उसके ऐसे हाथ उठे और उसने कहा कि अल्लाह ताला तेरे लिए भलाई कर ले, अल्लाह तुझे हर साल हज कराए, अल्लाह तुझे हर साल हज कराए, अल्लाह तुझे हर साल हज कराए, बार बार सुनवाएगी। तो वो बैठ के चली गई। उसके बाद से वो कहता है कि हर साल मुझे नहीं पता कैसे मैं आके हज करता हूँ, कभी मेरे कोई जाने वाला कहता है कि साहब मैं तुम्हें हज कराता हूँ एज अ सदका एज अ चैरिटी, पता नहीं मैं कैसे हज करता हूँ, हर साल मैं हज करता हूँ। यह है दिल से निकली हुई दुआ। तो अपने रब से ना एक ये डीप, ये हमारा इतना बड़ा वेपन है जिसको हम कभी यूज़ ही नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है, दुआ ही तो इबादत है, एंड द बेसिक एंड द बेसिस ऑफ एवरी प्रेयर एवरी इबादा इज दुआ। आप हज देख लें, आप जक़ात, आप जक़ात खैर माली इबादत है, आप नमाज देख लें, नमाज में हम खड़े हुए हैं अल्लाह ताला की तारीफें बयान की, तारीफें बयान करने के बाद क्या कहा इहदिनस सिरात मुस्तकीम, जो सारी तारीफों की वजह थी वो ये थी इहदिनस सिरात मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे सीधे रास्ते पर चला। आप हज में देख लें, हज में कंसिस्टेंट दुआ इंसान मांग रहा होता है, एंड द बेस्ट दुआ ऑन द डे ऑफ अराफा इज ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हमद व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। This is dua and this is the best dua जो कि अल्लाह के अमीन और तमाम अंबिया ने अरफा के दिन मांगी। यकीन जाने आपका लॉस्ट कनेक्शन अल्लाह ताला से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है, आधा घंटा छत पे चले जाएं, आधा घंटा अकेले हो जाएं, अपनी गाड़ी में बैठ जाएं, कहीं भी चले जाएं, मुसल्ले पे बैठ जाएं और हाथ उठाएं और अल्लाह ताला की हमद और सना बयान करें, जितनी आती है कसरत से बयान करें, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजें, और फिर अपनी आजी और इंकसारी का ऐलान करें, या अल्लाह मैं कितना गुनाहगार हूँ, या अल्लाह तेरी मुझ पर इतनी रहमत नेमतें हैं, रहमतें हैं, करम है कि मैं घिन नहीं सकता, मैं एक्नॉलेज करता हूँ या अल्लाह, और मुझे करना क्या चाहिए था कि मैं तेरा अच्छा इंसान बनूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं गुनाह में पड़ गया, मैं फिर से मैंने जुल्म किया अपने नफ्स पे, फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, तो मुझे माफ़ कर दे, बेशक तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला ही नहीं है, अबू लका बिनिअमतिका अलिय्य व अबू बिज़म्बी, बेशक मैं इकरार करता हूँ तेरी नेमतें मुझ पर हैं और मैं इकरार करता हूँ बहुत मैं गुनाहगार हूँ, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ये हमें हर तशहुद में दुआ मांगनी चाहिए। अबू बकर सदीक़ को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको अल्लाह के मीने ये एडवाइस की थी कि अबू बकर ये दुआ मांगो, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने अपने नफ्स से ज़ुल्म किया और बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है, वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, और आपके अलावा कोई गुनाह माफ़ करने वाला है कोई नहीं, फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदक, मुझे माफ़ कर दें, और किस तरह की माफ़ी, मग़फ़िरतन मिन इंदक, जो आपके पास है, जो माफ़ी आपके पास है, बेहतरीन किस्म की माफ़ी।